गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह होने वाला है कि कल मैंने फैमिली फिटनेस का जो ब्लॉग देखा था उसमें मुझे पता चला कि पायल की तबीयत ठीक नहीं है। रात को उसको हॉस्पिटल लेके गए, सुबह भी उसको डॉक्टर के पास लेके गए स्कैन के लिए। तो बहुत दिल दुखा। मैंने जब सुबह गोलू को फोन मारा कि मेरे को गोलू तूने मुझे क्यों नहीं बताया, तो कहती मम्मी हम इतने ज्यादा परेशान थे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या ना करें। इतनी मुश्किल से पायल को देखो, एक बेबी होने वाला है और वो भी बहुत दिक्कत आ रही है। बस भगवान से यही कह रही हूँ, भगवान से यही प्रार्थना है कि हे साईनाथ जी, हे लड्डू गोपाल जी, जो भी भगवान है सब सुनो, इसका जो बेबी है बिल्कुल ठीक ठाक से हो जाए। बस अगर भगवान ने दिया है तो उसको पार भी लगाए। बहुत दिल दुखा कल। मैंने कम से कम गोली को 2-3 बार फ़ोन किए, तो मैंने कहा बच्चे परेशान हैं, वो कहेंगे मुझे बार बार कॉल कर रहे हो। मेरा दिल भी नहीं मान रहा था कि मैं कॉल करके बार बार पूछ रही थी गोलू से पायल की तबीयत कैसी है, पायल की तबीयत कैसी है। अब मैं यही चाहूँगी कि बिल्कुल पायल बेड रेस्ट पर रहे। काम करने वाले बहुत बंदे हैं, जरूरी नहीं है कि कोई काम करना है तो अपना बेड रेस्ट करे। ये 9 महीने, 1 महीना तो वैसे ही निकल गया, जो 8 महीने ये भी फटाफट चुटकी लगा के निकल जाएंगे। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे मालिक सबका भला करना। काकू आया, देखो हमारे लिए क्या क्या लाया। आज क्या बात है बेटे, स्कूल नहीं गया? नहीं, आज तो कल पेपर है, तो आज प्रिपरेशन के लिए छुट्टी दिया आज। अच्छा, ये प्रिपरेशन कर रहा है तू? मेरे को दिख रही है ये बॉल के साथ आज प्रिपरेशन हो रही है। नहीं, अभी पढ़ाई कर आया था। अच्छा, अभी आया था। हाँ। चलो अच्छी बात है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई काम आनी है। और क्या काम आएगा? कौन सा पेपर? साइंस का। अच्छा अच्छा, चलो तैयारी हो रही है ना? हाँ। आज ट्यूशन लगता, तभी आज कल लेट आ रहा है ट्यूशन से तू। हाँ। नहीं तो पहले 2 घंटे में आ जाता था, अब 4-4 घंटे कहाँ भेजती है वो। हाँ। हाँ। चलो पढ़ाई काम। कोको पूछी देख कैसे कर रही बहू, बहू देख खिला रहा है इनको बॉल से। वो कहती है मेरी बॉल है, वो कहती है मेरी बॉल है। और पापा शॉप पे गए होंगे? हाँ, मम्मी क्या कर रही है? मम्मी ऊपर है। अच्छा चल तू खेल फिर, मैं भी सब्जी बनाने जा रही हूँ। मैं कहा पापा आने, पापा आ जाएंगे, इससे बच्चे पहले बना लूं। लंच में बनाई है आलू गोभी, बस जरा सी बनाई है क्योंकि चीना और कन्नू बिल्कुल गोभी खाना पसंद नहीं करते, तो हमारी भी सब्जी पड़ी रह जाती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी बनाई है। देखो कितनी फ्राई सी बनाई है। और लड्डू गोपाल जी को और साईं बाबा जी को भोग लग चुका है क्योंकि इसमें प्याज और टमाटर भी नहीं डाले। सार्थक आइए, तेरे को भोग नहीं रही क्या बात है? क्यों, अभी तो उठेगा ना, जैसे ही तो उठेगा तुझे भोगना शुरू कर देगी, देख लियो। ये ऐसी है, बर्बाद है ये आत्मा, मतलब ये ये ना ये क्या करती है, बस जैसे ही अब तू बैठेगा ना तैसे प्यार से रहेगी, जैसे तू उसके बाहर उठेगा ना तो भोगना शुरू कर देगी। वो 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 वो। ये देखिए चीना को देख, मैं रख रही हूँ अपने कपड़े, मैं सोचा आज फाइनली अलमारी सेट ही कर दू अपनी, अलमारी सेट ही कर दू, थोड़े जीन्स वीन्स सब अलग कर दू। हाँ कर दे अलमारी। देखो मम्मी, हाँ। ये 32 नंबर आता है मुझे। हाँ। कई मुझे 34 आता है, कई वो अभी जो लाई हूँ मैं 30 आता है। जैसे तूने मुझे जींस लाके दी थी ना। हाँ। जो मुझे तूने जींस लाके दी 30 थी। हाँ। जब मैं दोबारा 30 लेने गई, मैंने अंदर जाके चेंज किया तो 30 नहीं आई, 32 आई। हाँ 32 आई, मेरा भी यही हाल है। हर कंपनी का अपना साइज होता है भाई, तो फिर अब तू अलमारी की तरफ ध्यान दे, ज्यादा बातें मत कर, समझ आ रही है? पशुपतिनाथ के मंदिर चले जाओ। हाँ नेपाल जाएंगे हम, टेंशन ना ले, कट्ठे चलेंगे, तू और मैं चलते हैं, ठीक है? ठीक। बाय प्लेन जाएंगे, बाय प्लेन वापसी। प्लेन हाँ, तो और कैसे जाएंगे, नेपाल से जा सकते हैं? इतनी दूर कौन जाएगा बसों में, उसमें कह रही हूँ ट्रेन में। ये वाइट जीन, अच्छा हाँ आपको पता है। मैं दुकान पे आई हूँ, हेमा ऑलरेडी पहले दुकान पे बैठी हुई है। मेरे को ना सामने से कुछ सामान लेना था। अच्छा तो क्या लेना, क्या? थोड़ा सा आटा वाटा। अच्छा आटा, अच्छा अच्छा, सुरेंद्र की दुकान से। सुरेंद्र की दुकान से, तो मैं कहा चलो जीएस से मिलो, आपको मैं बैठी हूँ, आपको जाना है कहीं? हो मैं यहाँ हेमा बस बैठती हूँ, कोई काम है तो करो। आज डिनर में बनेंगे राजमा चावल। राजमा एक तरफ उबल रहे हैं, साथ ही तड़का लग रहा है और साथ में दोबारा चाय पीने का दिल कर रहा है, तो मैं चाय बना रही हूँ। बस आज बच्चे खुश हो जाएंगे, राजमा चावल सुनते ही चीना तो बहुत खुश हो जाती है। राजमा चावल, राजमा बनके तैयार हो गए हैं, यहाँ चावल भी बन चुके हैं और दूध भी मैंने उबाल दिया है। और बस देखो राजमा चावल हर बच्चे को पसंद होते हैं।
आज मैं लाइव में थी तो सब पूछे आंटी क्या बनाया तो मैंने कहा राजमा चावल बनाए, कहते हमारे फेवरेट हैं, राजमा चावल सबके फेवरेट होते हैं। कल हम तिलक नगर गए थे तो वहां पर चीना को ये चप्पल पसंद आ गई, फ्लाइट की, ज्यादा महंगी तो नहीं है, 200 रुपए की चप्पल थी चीना को, इसमें ब्लू कलर भी था और पीच कलर भी था, तो चीना कहती मम्मी ब्लू बहुत पहना है तो इस बार पीच ले लेते हैं, कहते अच्छी लग रही है ना चप्पल, सुंदर है, घर में पहनने को क्या माड़िया, आस पास भी कहीं भी जाना हो पहन सकते हैं इसको भी। कोको देखो माँ जी से रस लेके आई है और चुपचाप अकेले बैठ के रस खा रही है, कभी कभी तो रस खाती नहीं है, महाराज देखो कितनी अच्छी लग रही है, देखो कैसे, देखो इनको कितनी समझ है, दोनों पैरों से रस को पकड़ा हुआ है और खा रही है, और ये उसका बुत्था देख रही है, इसको पता है कि अगर मैंने उसके रस को छेड़ा तो कोको ने इसके साथ कोको और इसकी हो जाएगी लड़ाई, देख भी नहीं रही, देखो गाइस आप देखो ये उसकी तरफ देख भी नहीं रही, और वो देखो उसको कैसे घूर रही है, उसको पता है कि अगर इसने मेरे रस की तरफ देखा और वो अपने रस को छोड़ के पहले इस पर अटैक करेगी, देख लो देखती भी नहीं है। ये देखो गाइस चीना कितनी बड़ी हो गई है, मगर इसको शौक देखो छोटे छोटे क्लिप का है, ऐसे बो लगाती है आसपास छोटे छोटे क्लिप, ये देखो छोटे छोटे क्लिप लगाती है, जैसे छोटे छोटे बच्चे लगाते हैं ना मीडिया करते हैं छोटे छोटे क्लिप, ऐसे लगाती है, इसका देखो शौक। गाइस कैसे हैं आप सब, मुझे आप सबसे ये बात करनी थी कि अरे एक मिनट, तो मुझे आप सबसे ये बात करनी थी कि मैं अपने व्लॉग्स बंद कर रही हूँ, वो मेरा लास्ट व्लॉग था जो चंडीगढ़ में हुआ, क्योंकि मैं मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी हो रहे थे, और मेरी जॉब मैंने फिर से ज्वाइन कर ली है क्योंकि मैंने सोचा कि दिसंबर तक मैं जॉब करती हूँ, उसके बाद मैं प्रॉपर फोकस करूँगी व्लॉग्स पे और अच्छे भी बना पाऊँगी, अभी मेरा थोड़ा सा लैक हो रही हूँ, मैं भी यही बात बोलूँगी, तो मैं उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस करूँगी बोलूँगी और सब कुछ, बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे जब मैं वहाँ थी कि आपको कोई ये नहीं दे रहा, कोई ये वो नहीं, मेरी बहन और पाल दीदी मैंने आपको कहा था उनमें कोई कमी नहीं है, उन्होंने मुझे कभी कुछ ऐसा फील नहीं कराया, और कृतिका हमेशा मेरे साथ होती थी, बस वहाँ पे वो काम होता था क्योंकि दीदी प्रेग्नेंट है तो पायल दीदी के साथ लगे रहती थी कृतिका, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो मैं हो ही जाता है ना, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट और IVF से हो तो बहुत प्रिकॉशंस होते हैं उसके, तो आप बताओ आपको कैसा लगा डिसीजन? मैं ठीक है, जो तेरे को सही लग रहा है कोई बात नहीं, ब्लॉगिंग छोड़ियो मत, पर गाइस सीरियसली आप एक बार कमेंट्स बनना हर चीज के लिए, आपको ये वो अच्छा हुआ घर आगे, मतलब इतना ज्यादा तो मैं डीमोटिवेट हो चुकी हूँ बिल्कुल, जैसे मैंने फिर से शुरू करा था ना मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो चुकी हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं करूंगी, मैं ये नहीं कहती मैं करूंगी नहीं, करूंगी मैं, पर अभी नहीं, थोड़ा टाइम रुक कर, अभी तो ऑफिस की तरफ जाना, हाँ मैं अभी फिर से वही ज्वाइन कर दिया मैंने, लेकिन मम्मा व्लॉग्स बनाएगी, मैं व्लॉग्स में नहीं आऊंगी गाइस, एडिटिंग तो करेगी, एडिटिंग करूंगी लेकिन मैं बिल्कुल व्लॉग्स में नहीं आया करूंगी, मैं अंदर से ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई, कमेंट आया था क्या आया था, आप कब पतले हो गए, मतलब हर चीज को लेके यार मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ऐसे रहना पसंद है, मैं खुश हूँ, मेरी मम्मा खुश है, मेरे मेरे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ मेरे को ऑब्वियसली हर किसी को फिट होना चाहिए, मैं भी होंगी लेकिन अब मैं फिट होकर ही होंगी, मैं सीरियसली बहुत ज्यादा हो चुका और एक मेरे को पता नहीं मैं क्या बोलूँ अब, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मम्मा के व्लॉग्स रेगुलर आएंगे, आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा उनको शेयर करना, लाइक करना, और मम्मा कोशिश करेगी काकू के साथ कोई चैलेंज वीडियो भी निकाले, देखूंगी, हाँ और बाहर जाऊंगी पापा के साथ, हिमा के और साथ, एक और मम्मा का चैनल शुरू हो रहा है जो फूड का है, जैसे आप लेडीज बार बार बोलते हो कि ये बना के दिखाओ तो वो बनाए, तो मम्मा उसी में सबको डालेगी, मैं कल से उसकी वीडियोस जो इस चैनल पे फूड वीडियोस वो निकाल कर, अभी लोग जो सारे देखना चाहते हैं, मैं पुरानी वीडियोस हैं मैं वो बनाऊंगी, मैं किचन के बना नहीं पा रही जैसे मैं बाहर की बनाऊंगी, अब जरूरी नहीं है कि वो ललिता की रसोई है तो रसोई का ही दिखाऊंगी, मैं सब कुछ बाहर का भी और रसोई भी और जो भी हो, इसमें डेली व्लॉगिंग होगा, जो डेली करते हो उसमें अलग होगा, जैसे थोड़ा बहुत बाहर का उसमें हर रोज नहीं होंगे, रोज नहीं, उसमें रोज नहीं होगा, उसमें सिर्फ एक्टिविटीज होंगी, अच्छा होगा, गेम्स होंगी और खाना वगैरह जो होगा वो वहां पे होगा। मैंने जो चैनल ललिता की रसोई शुरू किया था मैं वो बस ऐसी इसमें 2-3 वीडियो डाली, मैं वो डाल ही नहीं पाई, बस किचन का बस सारा दिन मैं ब्लॉगिंग करके अपने घर को देख के डॉगीज को देख के दुकान को देखना पड़ता है तो मैं वीडियोस नहीं बना पाई, अब मैं उसमें सोच रही हूँ कि जो मेरी बनी हुई वीडियोस हैं जैसे कई फूड की हैं जो नए नए सब्सक्राइबर हैं उन्होंने तो नहीं देखी तो मैं वो वाली उसमें डालूं, मैं आपको दिखाऊं जैसे मैं डोसा बनाया था,
अचार है या फिर राजमा चावल, छोले चावल, कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बना बना के डाली हुई है वीडियो, तो मैं उसमें ये डालूंगी। और मैं ये वाला जो चैनल है ललिता की रसोई, नाम होगा ललिता की रसोई, मगर इसमें मैं कुछ भी डाल दूंगी, बाहर जाऊंगी। मैंने हिमा को बोला है, पूजा को बोला है कि मेरे साथ बाहर चल, तो हम जाके कोई वीडियोज़ बनाते हैं। अब चीना ने अपनी दोबारा ज्वाइन कर ली है जॉब, तो उसका ध्यान सारा जॉब की तरफ होगा। वो कहती मुझे नहीं अभी ब्लॉगिंग करनी, कोई बात नहीं, बच्चे का अपना मूड होता है, 2-3 महीने 4 महीने बाद जब उसका मूड ठीक हो जाएगा तो ये अपने आप ब्लॉगिंग करेगी, अभी इसका नहीं दिल। तो मैं तो वैसे भी ब्लॉगिंग मैं तो अपनी रखूंगी। आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो। और हमारी जो इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, उसको भी जाके फॉलो करो। तो मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।